हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी। दोस्तों आज मैं फिर लेकर आया हूँ हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट वन। एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चन हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, NVMR की, ग्रुप डी की, NTPC की, BSF की, CISF की, CTET, UPTET, कोई भी एग्जाम, ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए यह है। तो दोस्तों चलिए बिना देरी के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन आपका है, रंजीत सिंह किस सिख मिसल से संबंध रखते हैं? ऑप्शन ए कन्हैया, ऑप्शन बी शुकर चकिया, ऑप्शन सी आलूवालिया और ऑप्शन डी गिल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी शुकर चकिया। चलिए दोस्तों बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका है, कौन सा अंतिम सम्राट मयूर सिंहासन पर बैठा था? ऑप्शन ए अहमद शाह, ऑप्शन बी जहादर शाह, ऑप्शन सी जो है मोहम्मद शाह और ऑप्शन डी फरूख सियर। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी मोहम्मद शाह। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका है, 1857 की क्रांति कहाँ हुई? ऑप्शन ए नौशहर, ऑप्शन बी दिल्ली और ऑप्शन सी मेरठ और ऑप्शन डी जो है वो कानपुर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा मेरठ। 1857 की क्रांति कहाँ हुई थी? मेरठ में। चलिए दोस्तों बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा आपका है, पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 में किसके बीच शुरू की गई? ऑप्शन ए बम्बई और ठाणे, ऑप्शन बी कलकत्ता और मद्रास, ऑप्शन सी बम्बई और आगरा और ऑप्शन डी कलकत्ता और आगरा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी कलकत्ता और आगरा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर पाँचवें की ओर। क्वेश्चन नंबर पाँचवा आपका है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? ऑप्शन ए वाजिद अली शाह, ऑप्शन बी वजीर अली, ऑप्शन सी शहादत अली और जो ऑप्शन डी है शहादत खान। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए वाजिद अली शाह। तो चलिए दोस्तों बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर छठे की ओर। क्वेश्चन नंबर छठा आपका है, हैदराबाद के निजाम के राजवंश का क्या नाम था? ऑप्शन ए निजाम शाही, ऑप्शन बी कुतुब शाही, ऑप्शन सी जो है आदिल शाही और ऑप्शन डी आसफ शाही। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी आसफ शाही। तो चलिए दोस्तों बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर सातवें की ओर। क्वेश्चन नंबर सातवां आपका है, प्रसिद्ध उत्तम मरमेरूर शिखा शिलालेख किसके शासनकाल से संबंधित थे? ऑप्शन ए परांतक प्रथम, ऑप्शन बी परांतक द्वितीय, ऑप्शन सी राज राजा प्रथम और ऑप्शन डी राजेंद्र प्रथम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए परांतक प्रथम। तो चलिए दोस्तों बढ़ चलते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर आठवें की ओर। क्वेश्चन नंबर आठवां आपका है, निम्न में से कौन सी लड़ाई के फलस्वरूप हुमायूं भारत के शेर शाह द्वारा निर्वासित किया गया? ऑप्शन ए बिलग्राम की लड़ाई, ऑप्शन बी खानवा की लड़ाई और जो ऑप्शन सी है चौसा की लड़ाई और ऑप्शन डी घाघरा की लड़ाई। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा होगा ऑप्शन ए बिलग्राम की लड़ाई। तो चलिए दोस्तों बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर नौवें की ओर। क्वेश्चन नंबर नौ आपका है, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी गुरुदासपुर और ऑप्शन डी तलवंडी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी तलवंडी। तो चलिए दोस्तों बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर दसवें की ओर। क्वेश्चन नंबर दसवां आपका है, पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ की? ऑप्शन ए 1645 शायस्ता, ऑप्शन बी 1650 अफजल खान, ऑप्शन सी जो है 1660 राजा जसवंत सिंह और ऑप्शन जो डी है 1665 राजा जय सिंह। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी 1665 राजा जय सिंह। तो चलिए दोस्तों बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, भारत में कौन सा प्रदेश यूरोपियनों को उत्तम कोटि का नमक और अफीम उपलब्ध कराता था? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है कोरमंडल और ऑप्शन बी गुजरात और ऑप्शन सी जो है बिहार और ऑप्शन जो डी है मालाबार। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा होगा ऑप्शन सी बिहार। चलिए दोस्तों बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए जमुनिशा, ऑप्शन बी फातिमा बेगम, ऑप्शन सी मेहरुन्निसा, ऑप्शन डी जहाँ आ रहा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी मेहरुन्निसा। चलिए दोस्तों बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, गोलकुंडा के राजा कहलाते थे? ऑप्शन ए कुतुब शाही, ऑप्शन बी
निजाम शाही, ऑप्शन सी आदिल शाही, और ऑप्शन डी जो है ई माद शाही। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए कुतुब शाही। चलिए दोस्तों बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, उड़ीसा के गजपति राजवंश के संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए पुरुषोत्तम, ऑप्शन बी कपिलेंट, ऑप्शन सी प्रताप रुद्र, ऑप्शन डी विद्याधर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी कपिलेंट। चलिए दोस्तों तो इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, इनमें से कौन से बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्ग से बीदर स्थानांतरित की? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह प्रथम, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह द्वितीय, और ऑप्शन सी ताजुद्दीन फिरोज शाह, और ऑप्शन डी अहमद शाह वली। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा होगा ऑप्शन डी अहमद शाह वली। तो चलिए दोस्तों बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया? ऑप्शन ए दंती दुर्ग, ऑप्शन बी अमोघ वर्ष प्रथम, ऑप्शन सी कृष्ण प्रथम, और ऑप्शन डी खोटी टग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा होगा ऑप्शन सी कृष्ण प्रथम। तो चलिए दोस्तों बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? ऑप्शन ए मनुस्मृति, ऑप्शन बी नारद स्मृति, ऑप्शन सी बृहस्पति स्मृति, और ऑप्शन डी यज्ञ वाल्मीकि स्मृति। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए मनुस्मृति, सबसे पुरानी स्मृति होती है। चलो दोस्तों बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा जैन दर्शन से संबंध नहीं रखता? ऑप्शन ए सेवाद, ऑप्शन बी नयावाद, ऑप्शन सी अनेकांतवाद, और ऑप्शन डी थेरवाद। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी नयावाद। तो चलिए दोस्तों बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, कौन सा पल्लव राजा शंकराचार्य का समकालीन था? ऑप्शन ए महेंद्र वर्मा प्रथम, ऑप्शन बी नरसिम्हन वर्मन द्वितीय, ऑप्शन सी नदी वर्मन द्वितीय, और ऑप्शन डी दंती वर्मन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा होगा ऑप्शन डी दंती वर्मन। तो चलिए दोस्तों बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए? ऑप्शन ए इंडो ग्रीक, ऑप्शन बी शक, ऑप्शन सी पार्थियान, ऑप्शन डी कुषाण। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए इंडो ग्रीक ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना रहने देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और साथ साथ में ये भी बताइए कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे थे और कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।